तो स्वागत है आपका टारगेट एस एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की वन थाउजेंड प्लस क्वेश्चन सीरीज का क्लास नंबर ट्वेंटी इससे पहले हम नाइनटीन क्लास कर चुके हैं साथ में ट्वेंटी नाइनटीन की जो रीजनिंग शिफ्ट है उसके हर एक क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर चुके हैं सभी वीडियोज प्ले लिस्ट में मिल जाएगी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिप्रेशन करो एस एस सी स्टेनो ट्वेंटी ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी वन एग्जाम के तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर ट्वेंटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना चार ऑप्शन उसके क्या है चार ऑप्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ चार ऑप्शन आपके फर्स्ट ऑप्शन नंबर वन है वन एटी आएगा या फिर आपका टू सिक्सटी आएगा या फिर आपका टू नाइन्टी आएगा या फिर आपका टू एटी आएगा, आएगा ये चार यहाँ पे ऑप्शन है देखना है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का क्या यहाँ पे राइट आंसर आता है ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन को हिंदी में तो ये हिंदी मीडियम वाले ठीक है एक निजी टैक्सी जो है कंपनी जो है तय की गई दूरी के आधार पर प्रति किलोमीटर के चार्ज के साथ चार ऑप्शन में यहाँ पे बता देता हूँ पहले वन नाइन्टी आएगा या फिर आपका टू नाइन्टी आएगा या फिर आपका टू एट्टी आएगा या फिर आपका टू सिक्सटी आएगा ये चार ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे बताना है कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है ठीक है तो तय की गई दूरी के आधार पर, पर प्रति किलोमीटर देखो प्रति किलोमीटर के चार्ज के साथ साथ तो दो चार्ज एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से इतना चार्ज लगेगा और एक जो निश्चित चार्ज वहाँ पे होगा कि इतने के कम से कम बोलते ना कि इतना चार्ज तो आपका लगने लगे ना इसके अलावा आपका कितने किलोमीटर आप जाते हो उसके ऊपर उसके हिसाब से आपका चार्ज लगेगा स्टार्टिंग में वो ट्वेंटी किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके लिए वो तीन सौ अड़सठ रुपये उसके लगते हैं फिर थर्टी टू किलोमीटर की यात्रा करता है उसके लिए चार सौ चौसठ रुपये लगते हैं तो पंद्रह किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बताना है कि कितने शुल्क उसे देना पड़ेगा यानी कितना उसका चार्ज लगेगा बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा तो फर्स्ट हम मान लेते हैं यहाँ पे जो प्रति किलोमीटर जो उसका निश्चय यानी फिक्स जो चार्ज है निश्चित आप कह सकते हो निश्चित जो चार्ज है उसे हम मान लेते हैं एक्स उसका लग रहा है टोटल ठीक है और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है उसे मान लेते हैं कि वो आपका वाई लग रहा है तो फर्स्ट उसने बोला कि एक निश्चित चार्ज तो लगेगा लेकिन कितने किलोमीटर चला है ट्वेंटी किलोमी फोर किलोमीटर उसके ऊपर ट्वेंटी फोर किलोमीटर के ऊपर चार्ज लगेगा एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर तो वाई टोटल कितना लग रहा है थ्री सिक्स एट सेकेंड उसने बोला कि निश्चित चार्ज तो लग रहा है लेकिन थर्टी टू किलोमीटर चलेगा और उसमें वाई चार्ज लगेगा क्योंकि थर्टी टू किलोमीटर के हिसाब से और टोटल कितना चार्ज लग रहा है टोटल फोर सिक्स एट अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो तो एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा थर्टी टू में से आप ट्वेंटी फोर को माइनस करेंगे तो एट वाई हो जाएगा और यहाँ से फोर सिक्स फोर में से थ्री सिक्स एट को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सिक्स नाइन्टी सिक्स तो वाई इक्वल टू अगर निकालें यहाँ से तो वन और टू यानी सिक्स 12 आ गया तो y प्रति किलोमीटर एक्स की वैल्यू एक तो तो वै, निकालनी है ट्वेंटी फोर वाई हमें पता चल चुका है कि 12 368, तो की ट्वेल्व आएगा इक्वल टू थ्री सिक्स एट तो एक्स इक्वल टू थ्री सिक्स एट माइनस ट्वेंटी फोर की आपको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा टू एटी एट ठीक है टू एटी एट यहाँ पे आ जाएगा तो टू एटी एट को माइनस करो आप थ्री सिक्स एट में से तो कितना बच जाएगा 80 यानी एक्स इक्वल टू आ जाएगा एट्टी और वाई इक्वल टू आ गया हमारा ट्वेल्व अब हमें क्या निकालना है पंद्रह किलोमीटर जब वो चलेगा तो पंद्रह किलोमीटर चलने के लिए फिक्स चार लगेगा x और प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही पंद्रह वाई लगेगा एक्स की वैल्यू हमें पता है एट्टी आया है, और फिफ्टी इन वाई हमें पता है कि ट्वेल्व आया ट्वेल्व के हिसाब से आ रहा है ठीक है तो एट्टी प्लस फिफ्टीन की ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वन एटी टोटल अगर बात करें तो टू सिक्सटी रुपीज़ उसको लगेगा अगर वो पंद्रह किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है यानी पंद्रह किलोमीटर वो जाता है तो उसको लगेंगे टोटल दो सौ साठ रुपये ठीक है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे था दो सौ साठ ऑप्शन में था तो राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सेकेंड क्वेश्चन आपका बताना है चारों में से ऑट बताना है यानी तीन तो कहीं ना कहीं लॉजिक तीनों में सेम लगेगा एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें लॉजिक आपका काम नहीं करेगा यानी जो बाकी तीन से अलग होगा वो चीज़ हमें देखना है तो वेट एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना कि कौन सा वाला आपका यहाँ पे राइट होगा तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए ए बी सी डी देखो क्या इसमें लॉजिक लग रहा होगा आप देखोगे यहाँ पे फोर और फाइव लिखा है अगर आप फोर और फाइव को ऐड करो तो कितना आ रहा है और उसका रूट निकालो तो कितना आ रहा है नाइन इक्वल टू नाइन का रूट नाइन किसका होता है तीन का क्या ये चीज़ इसमें लग रहा है ट्वेंटी फाइव और फोर्टी वन को ऐड करो कितना आ रहा है फाइव और वन सिक्स और फोर और टू कितना हो जाएगा सिक्स यानी सिक्स तो ये तो आपका रूट नहीं होता इस वाले में देखते हैं तो सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी एड करो कितना आ रहा है थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स किसका होता है सिक्स का तो ये भी आपका राइट हो रहा है इसमें देखते हैं तो थर्टी प्लस फिफ्टी वन इक्वल टू कितना आ रहा है एट्टी वन तो एट्टी वन किसका होता है नाइन तो ये भी आपका सही है आप देखोगे फर्स्ट वाला सेकंड फर्स्ट वाला थर्ड वाला और फोर्थ वाला सेम है लेकिन सेकंड वाला आपका बिल्कुल अलग है सेकंड वाला इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे फाइन करना है इसमें ट्वेंटी एट थर्टी टू ट्वेंटी सिक्स या फिर ट्वेंटी टू ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं बताना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल तो सबसे पहले तो हमें ये वाला चीज आप देखोगे इस वाले में ठीक है ये वाली चीज़ तो ये वाली चीज़ आप देखो यहाँ पे ऊपर टोटल कितने हैं ऊपर यहाँ पे टोटल कितने हैं थ्री ये रहे नीचे टोटल कितने हैं थ्री ये रहे उसके बाद दो ये बड़े वाले होंगे तो टोटल हमारे इसके अंदर कितने हो गए सिक्स आ गए यानी इस वाले के अंदर ही हमारे टोटल कितने हो गए सिक्स हो गए सिक्स इधर होंगे सेम डाइग्राम यहाँ पर भी बनना सॉरी सिक्स नहीं एट हो जाएगा एट यहाँ पे होंगे ना हमें थ्री ऊपर थ्री नीचे कितने हो गए सिक्स हो गए और सिक्स और टू एट हो जाएंगे तो एट इधर मिल गया हमें एट इधर मिल गए तो टोटल हमें सिक्सटीन हमें मिल चुका है ठीक है तो एट यहाँ से मिल गया और एट यहाँ से मिल गया अब बात करेंगे ये वाले में देखिए ये वाला का जब आप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पे भी मिलेगा आपको तो तीन यहाँ से मिलेंगे और इसी को जब आप इस साइड से भी देख इस साइड ये वाला देखोगे तो यहाँ पे भी तीन मिलेंगे तो एट और एट सिक्सटीन सिक्सटीन और सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर तो हमें ये मिल चुके हैं उसके अलावा देखो वहाँ पे ये छोटे छोटे एक एरा दो एरा तीन एरा और चार एरा तो ट्वेंटी एट मिल चुके थे और फोर ए और मिल चुके हैं तो कितना हो गए थर्टी टू थर्टी टू हो चुके हैं इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ अगर मिलता है तो तो थर्टी टू यहाँ पे मैक्सिमम थर्टी टू था जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आ जाएगा तो कैसे हमारी थर्टी टू ट्राइंगल आई वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा अमेजिंग से जैसे आपका हिलेरियस यहाँ पे कनेक्ट है वैसे ही बताना मॉइस्चर से क्या हो गया मॉइस्चर अब मॉइस्चर से क्या होगा वाटर होगा शोक होगा ड्राई होगा या फिर आपका ह्यूमिड आएगा तो मॉइस्चर है तो इसका मतलब वो ड्राई हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट था ठीक है तो मॉइस्चर का क्या हो जाएगा यहाँ पे ड्राई हो जाएगा सिने बताना है यहाँ पे सेक्रेट का राइट यहाँ पे सिने बताना है ठीक है सेक्रेट का राइट सीनेम बताना फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है प्रीसीस होगा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है वैल्यूड होगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है स्कार्स होगा और फोर्थ ऑप्शन आपका है हॉलिया सेक्रेट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पवित्र पवित्र होता है तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो होली प्लेसेस यूज करते हैं यानी पवित्र स्थान तो हॉली इसका राइट हो जाएगा बाकी प्रीशियस मतलब जो मूल्यवान हो वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू हो इसकार्स मतलब कमी के लिए यूज़ करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन इसका डी यानी राइट आंसर हो जाएगा राइट सैनानिम हो जाएगा सेक्रेट का नेक्स्ट आपको एंटेनेम बताना है इसका एंटो बताना है किसका नेटिव का तो नेटिव का राइट एंटेनेम क्या होगा फर्स्ट आएगा अर्बन आएगा सेकेंड ऑप्शन आपका आएगा क्या रूलर थर्ड ऑप्शन फॉरन आएगा या फोर्थ ऑप्शन रस्टिक तो नेटिव किसे कहते हैं नेटिव प्लेस यूज़ करते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वो रहता है उसको यूज़ करते हैं नेटिव अर्बन मतलब ग्रामीण इलाका पर्टिकुलर प्लेस आप कह सकते हो कंट्री या फिर आ, उसके लिए यूज़ करते हैं नेटिव तो so अर्बन भी आपका कहीं ना कहीं शहरी यूज़ करेंगे रूरल ग्रामीण यूज करेंगे पर्टिकुलर ये दोनों तो इसका सीननेम हो जाएगा रस्टिक मतलब होता है गवार तो ये तो बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा एंड फॉरेन यहाँ पे आ जाएगा इसका एंटो फॉरेन का मतलब वो किसी दूसरे प्लेस में एक होता नेटिव जहाँ वो रहने वाला है फॉरन जहां का वो रहने वाला ना हो ठीक है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट एंटेन हो जाएगा अगले यहाँ पे ईडी है इसको बताना है आपका क्या लुकडाउन अपॉन का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन दिया है टू कंसिडर समथिंग इनफीरियर सेकेंड ऑप्शन है टू बी फुल ऑफ गिल थर्ड ऑप्शन है टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा टू लुक डाउन फ्रॉम मे हाइट तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना ठीक है नीचा दिखाना किसी को नीचा दिखाना तो किसी को नीचा दिखाना यानी टू कंसिडर सम वन इन्फीरियर ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा मीनिंग यहाँ पे लुक डाउन एन का नेक्स्ट आपका है सिनेम बताना है वेरी का ठीक है वेरी का सीनेम बताना है फर्स्ट ऑप्शन है टची होगा सेकंड ऑप्शन है रेस्टलेस होगा थर्ड ऑप्शन है एक्साउटेड होगा या फोर्थ ऑप्शन आपका है लाइली होगा इसका आपको बताना है सिनेम क्या यहाँ पे राइट होगा वेरी का टच ही होगा टच ही मतलब जो टच कर सकते हैं रेस्टले मतलब एकदम आराम करने वाला रेस्ट लेस है तो उसी से आप कनेक्ट करोगे वेरी का मतलब होता है एकदम थकान वेरी मतलब होता है थका हुआ ठीक है क्या होता है थका हुआ तो यहाँ पे एक्सॉस्टेट इसका राइट हो जाएगा सिनेम बाकी लाइवली मतलब होता है उर्जावान ये इसका बिल्कुल एंटोनेम हो जाएगा एंटोनेम बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा और सिनानेम बोलेगा तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एक्सॉस्टेट का, का extreth, आ, मतलब होता है थका हुआ थकान तो एक्सॉस्टेड वेरी मतलब थकान होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट सीनेम हो जाएगा नेक्स्ट एडीएम आपका रहेगा कीप एवरी स्टॉप कीप एवरी स्टॉप का मतलब क्या होता है ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे दिया है कीप अहेड ऑफ ये आपका एडीएम रहेगा ठीक है एडीएम बताना है इसका क्या राइट है सेकेंड ऑप्शन है टू बी कीप ए वॉच ऑन थर्ड ऑप्शन है कीप अप द गुड वर्क या फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा कीप वन सेल्फ अपडेटेड तो कीप एवरेज स्टॉफ का मतलब होता है अप टू डेट यानी खुद को अपडेट रखना खुद को अपडेट रहना, रहना यानी अपडेट रहना इसका मीनिंग आएगा कीप वन सेल्फ अपडेटेड खुद को अपडेट रखना तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट मीनिंग देता है कीप एवरेज स्टॉफ इंपॉर्टेंट है अच्छा है अगले यहाँ पे एरर है तो बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर होगा फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंड में थर्ड में या फिर फोर्थ तो में यानी द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट ए फंक्शन टुडे तो यहाँ पे एरर बताना एट ए फंक्शन टुडे नो एरर है या आर बीइंग ऑनर्ड आएगा या द फेमस ऑथर एंड एथर तो यहाँ पे एरर की बात करें तो एरर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट में और क्या यहाँ पे एरर है आर की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका और इस यूज़ क्यों करा है क्योंकि द फेमस ऑथर एंड एक्टर दोनों एक ही है ऑथर और एक्टर दोनों एक ही है क्योंकि आर्टिकल द यहाँ पे एक लगा हुआ है अगर द फेमस ऑथर एंड द एक्टर यूज करता है एक्टर से पहले आर्टिकल द लगाता है तो वो आपका आर आता है यानी ऑथर और एक्टर दोनों एक है सिंगुलर है यूज होगा यहाँ पे आर की जगह ईज यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे एर रहा था कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है कि चारों में से बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आ, कौन सा ऑड नंबर है कौन सा ऑड है चारों में से फर्स्ट ऑप्शन किलोग्राम है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दूरी यानी डिस्टेंस दे रखा है ठीक है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मिनट और फोर्थ ऑप्शन आपका है लीटर ठीक है तो बताना है यहाँ पे चारों में से और कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में इसका यहाँ पे राइट right आंसर बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पे बिल्कुल तीनों से अलग है तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है एटी वन सेकेंड ऑप्शन है सेवेंटी वन थर्ड ऑप्शन है सेवेंटी नाइन और फोर्थ ऑप्शन भी इसका देख लेना क्या यहाँ पे रहेगा एटी थ्री ठीक है तो एक बार कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन को तो चार ऑप्शन दिए हैं बताना है यहाँ पे कौन सा राइट यहाँ पे आएगा अगर आप इसका लॉजिक की बात करें आप फर्स्ट और थर्ड नंबर को लेते हैं फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालते हैं वन एटी नाइन यानी फोर्टीन का तो कितना आएगा फाइव सेवन वन सेवन फाइव सेकेंड और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस निकालें यानी फोर्टी नाइन और फोर्टीन का कितना आ जाएगा फाइव और थ्री अब आप देखोगे जो आपका सेवेंटी फाइव है वो इसका कितना है फाइव टाइम्स है ठीक है इसका फाइव टाइम्स होगा क्योंकि थर्टी फाइव की मल्टीप्लाई या फाइव टाइम करोगे तो कितना आएगा वन सेवन फाइव यानि हमारा क्लियर है कि जो से डिफरेंस है सेकेंड वाले में देखो थर्ड नंबर और माइनस सेकेंड नंबर का डिफरेंस निकालें क्या आएगा सेवन में से वन या सिक्स और सेवन वन सेवन, सेवन सिक्स और सेकेंड नंबर और आपका फर्स्ट नंबर का डिफरेंस फोर और यहाँ पे फोर्टी फोर इसका ग्यारह में से सात गया चार और पाँच में से गया चार यानी फोर्टी फोर फोर्ट। और टू थर्टी था, था, सेवन में से टू थर्टी सेवन में से सेवनटीन माइनस करेंगे ठीक है यहाँ पे हमने सिक्सटीन ही सेवनटीन 17, 17 माइनस करेंगे तो कितना गया जीरो और टू और ये दो सौ दो सौ तीस दो सौ तीस क्या फोर्टी फाइव की मल्टीप्लाई फाइव टाइम करोगे दो सौ तीस आ रहा बिल्कुल आ रहा है पाँचों के बीस दो सौ बीस सॉरी दो सौ बीस आपका बिल्कुल राइट आ रहा है तो यहाँ पे लॉजिक हमारा क्लियर है कि आपका जो डिफरेंस है थर्ड नंबर ठीक है डिफरेंस जो है थर्ड नंबर यानी थ्री वन सेवन और फर्स्ट नंबर का यानी ट्वेंटी टू किता आएगा टू नाइन्टी फाइव वो आपका फाइव टाइम्स से है जो सेकंड और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस होगा सेकंड नंबर हमें नहीं पता और फर्स्ट नंबर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका फाइव टाइम आएगा कितना टू नाइन फाइव तो यहाँ पे फ़ाइव को अगर हम इधर भेज देंगे तो कितना आएगा फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव और फोर फ़ाइव नाइन ज़ा फिफ़्टी नाइन तो फिफ्टी नाइन आ जाएगा और एक्स इक्वल टू अगर देखेंगे तो फिफ्टी नाइन इक्वल टू यहाँ पे ट्वेंटी टू ऐड हो जाएगा यानी आपका एट्टी वन राइट हो जाएगा यहाँ पे अब एट्टी वन को यहाँ पे अगर हम रखें देखें तो आप देखोगे थ्री वन सेवन में से ट्वेंटी टू तो ये तो आपका आ जा रहा है कितना टू नाइन्टी फाइव और एट्टी वन में से ट्वेंटी टू माइनस करेंगी ग्यारह में से दो गया कितना आ गया नौ सात में से सात में से दो गया पाँच इसका फाइव टाइम आप करो तो कितना आएगा टू नाइन फाइव तो यहाँ पे इसका एटी वन राइट आंसर आ जाएगा थोड़ा लॉजिक यहाँ पे सही था तो वे चीज थोड़ा देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इलेवन का जैसे रिलेशन टू सिक्स फाइव से वैसी ट्वेंटी का बताना ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे दिया एट फोर्टी सेकेंड है यहाँ पे एट थर्टी फाइव थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एट थर्टी एट और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा एट फोर्टी वन तो आप देखोगे इलेवन से हमें टू सिक्स फाइव लाना है अगर आप इलेवन का स्क्वायर करो वन ट्वेंटी वन फिर इलेवन के नेक्स्ट नंबर यानी ट्वेल्व का स्क्वायर करो कितना आ रहा वन फोर्टी फोर तो दोनों को आप माइन प्लस करोगे तो बिल्कुल आपका जो सेकेंड नंबर है वो मिलेगा यानी लॉजिक आपका क्लियर है कि आप ट्वेंटी का स्क्वायर करोगे कितना आ रहा फोर हंड्रेड उसका वन एक नंबर यानी ट्वेंटी वन का जो स्क्वायर आएगा फोर फोर्टी वन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा एट फोर्टी वन और ये आपका राइट right यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठीक है एट फोर्टी वन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट right था तो ये लॉजिक लग रहा था इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पे एरर बताना है कि ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंट सॉरी फिर सेंट इम्प्रूवमेंट बताना है ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फिल्ड अगेन की जगह बताना क्या आएगा या तो नो no इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन है टू बाई बींग फिल्ड आएगा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे टू फेल्ड आएगा या डी फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ऑन फेलिंग आएगा ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड अब डिसअपॉइंटेड के साथ अगर आप टू यूज़ करोगे तो वहाँ पे टू प्लस वी वन फॉर्म आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो टू प्लस वी वन फॉर्म नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गया ठीक है क्या डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड आएगा नहीं टू बी फेल्ड नहीं आएगा डिसअपॉइंटेड टू फेल यूज़ कर सकते थे तो नो इम्प्रूवमेंट वाला भी नहीं आएगा अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की तो डिसअपॉइंटेड बाई अगर यूज़ करेगा तो वहाँ पे रीज़न बताना पड़े चाहिए हमें कि, कि किसके द्वारा वो डिसअपॉइंट हुआ है यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं किया तो सेकंड ऑप्शन भी गया ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा डिसअपॉइंटेड के साथ ऑन लिखा है और ऑन लिखा तो है तो यहाँ पे प्रीपोशन है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा तो फेलिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था यहाँ पे इंप्रूवमेंट वर्ड में अगला यहाँ पे फ्लब में बताना है कि कौन से यहाँ पे राइट होगा देयर इज़ ए डैस ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ तो ऑप्शन नंबर वन है पायस आएगा सेकंड प्लेंटी आएगा थर्ड आएगा लग्जरियंट या फिर फोर्थ आपका रहेगा पावरफुल तो देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो ग्रोथ है फॉर फ्लावर्स का वो कैसा आ रहा है क्या धार्मिक ग्रोथ होता है बिल्कुल नहीं होता है प्लेंटी या लग्जरियंट या पावरफुल ग्रोथ होता है नहीं यहाँ पे फ्लावर्स की बात करें उसकी ग्रोथ पावरफुल तो नहीं होगा यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड में डाउट होगा तो सेकंड में अगर प्लेंटी की बात करें तो प्लेंटी हमारा एक लार्ज अमाउंट के लिए यूज करते हैं ठीक है लार्ज अमाउंट यानी जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट अगर है तो वहां पे प्लेंटी यूज करें यहां पे अमाउंट की कोई बात नहीं करें लग्जरेंट यहाँ पर यूज होगा लग्जरियन का मतलब होता है कि जो ग्रो होता है बहुत ही तेजी से ग्रो यानी कोई प्लांट की बात करें तो उसके लिए यूज करते हैं यहाँ पर ग्रोइंग क्विकली या ग्रोइंग थिकली आप यूज कर सकते हो प्लांट के लिए तो यहां पे और लग्जरियन टाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है तो आज हमने डिस्कस किया क्लास नंबर टू ट्वेंटी में कुछ क्वेश्चंस को साथ में इंग्लिश के भी काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो ऐसे धीरे धीरे हम हर एक ही वीडियो में कवर करेंगे तीनों सेक्शंस को नेक्स्ट टाइम जीके के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी या ट्वेंटी वन एग्जाम की बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आपने से कोई भी नया हो टेलीग्राम का ज़रूर ज्वाइन करना उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट धन्यवाद शुक्रिया टेक केयर ऑल द बेस्ट और जो इसके अलावा आपका जो स्टैटिक जी के सीरीज है वो करा चुका हूँ फोर्टी फाइव टॉपिक्स तो वो भी देख लेना और ट्वेंटी नाइनटीन के रीजनिंग भी हम कर चुके तो वो आप देख सकते हो प्ले में ठीक है